अल्मोड़ा जिले के चिलिया नौला नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। दरअसल इस बार नगर पालिका ठेकेदारों के पंजीकरण, नवीनीकरण और कोटेशन नहीं खोलने को लेकर खासा चर्चा में है। ठेकेदारों का आरोप है कि 30 अप्रैल तक नवीनीकरण के आवेदन नगर पालिका में जमा करने थे, लेकिन अब नहीं किए गए। 30 अप्रैल के बाद नियम के विरुद्ध 3 ठेकेदारों के पंजीकरण किए गए हैं। जो यहाँ पर ठेकेदारों का नवीनीकरण और पंजीकरण के लिए जो टाइमलाइन रखी गई थी वो 30 अप्रैल तक रखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 1 मई को इनका रजिस्ट्रेशन किया। ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि निजी लाभ लेने के लिए इन 3 ठेकेदारों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने नियम विरुद्ध पंजीकरण कराने वालों का पंजीकरण निरस्त करने की मांग की। इसके साथ ही ठेकेदारों ने कहा कि जो कोटेशन डाले थे वो बगैर किसी वजह के स्थगित कर दिए गए। अगर ऐसा किया गया, ऐसा अगर है तो ये सभी के लिए किया जाता है, जिसमें इन्होंने एक ठेकेदार को इन्होंने मना किया है यहाँ पर 30 तारीख को पारस कंस्ट्रक्शन, तो उसको मना किया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन इन 3 लोगों का किया गया। और दूसरा हमारा ये है कि जो हमने कल कोटेशन डाले उनको बगैर किसी वजह के ये स्थगित कर रहे, कैंसिल कर रहे। इनका कहना है कि हम ये सभासद काम करेंगे, और सभासद काम किस लिए करेंगे, सभासद के ठेकेदार वही काम करेंगे जिनका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 तारीख को हुआ है। हमारा विरोध इसी बात में, या तो इसको कैंसिल करा जाए, इसको कैंसिल ही करा जाए और हमारे टेंडर को खोला जाए, क्योंकि टेंडर हो चुका है, बॉक्स सील बंद हो चुका है। वहीं नगर पालिका के ईओ प्रशांत कुमार ने बताया है कि ठेकेदार द्वारा कोई इशू बताया गया, इसलिए 19 तारीख को ये कोटेशन खोले जाएंगे। टेंडर खोलने के लिए सक्षम कमेटी जिसमें अध्यक्ष महोदय ट्रेजरी अफसर और जेई और जेई थे बैठे, उसमें कुछ ठेकेदार द्वारा इशू कुछ बताए गए। 19 तारीख को 3 बजे यहाँ एक बैठक रखी, उसमें डिसीजन लिया जाएगा टेंडर किए जाए। रजिस्ट्रेशन था उसको रिन्यूअल करने के लिए आपके द्वारा, और रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए ऐसा क्या कारण रहा? नहीं, हमारे द्वारा किसी को भी मना किया गया, जो ड्यू टाइम होता है ड्यू टाइम के अंतर्गत उसको जो है किए जाने में कोई। बता दें कि चिलिया नौला नगर पालिका का हमेशा विवादों से नाता रहा है। साल 2018 में नगर पालिका अस्तित्व में आई और तब से लेकर आए दिन नगर पालिका चर्चा में रहती है। पंजाब के स्टूडियो टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।